हाय दोस्तों, इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई है अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहें, बहुत ही लाजवाब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हमेशा की तरह। 80 साल की उम्र के हो चुके हैं वो, और वो लग ही नहीं रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है कि वो 80 साल के हैं इस समय। इतना फिट और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इस फिल्म में। उनके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है, तारीफ करनी होगी कास्टिंग डायरेक्टर की, क्या लाजवाब कास्टिंग उन्होंने की है। सपोर्टिंग कास्ट जो है, जो झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे दिखाए गए हैं, बहुत ही उम्दा कास्टिंग, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उन सभी की। बहुत ही नेचुरल तरीके से मतलब इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया है, और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले। कमाल का निर्देशन किया है, कमाल का। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन है, A1 फर्स्ट क्लास। उसमें जो फुटबॉल मैच दिखाया गया इंटरवल से पहले, लगभग 20 से 25 मिनट का मैच है वो, और उस मैच में ऐसे ऐसे मूवमेंट है कि आप तालियां और सीटियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, मतलब कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ इसका बहुत ही शानदार है। सेकेंड हाफ में फिल्म फर्स्ट हाफ के मुकाबले काफ़ी धीमी पड़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेकेंड हाफ भी बोर है, लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकेंड हाफ थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा। और सबसे बात ज़्यादा जो मुझे खटकी वो ये कि फिल्म के अंत में भी एक फाइनल मैच इन बच्चों का दिखाना चाहिए था। पता नहीं वो मैच क्यों नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर वो मैच दिखाया जाता तो ये फिल्म और ज़्यादा बेहतरीन बन सकती थी। खैर, कुल मिलाकर झुंड एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिसे आप अपने परिवार और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं।